तो लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल किया था उसका लीडरशिप का, एंड साथ हमने कुछ थेरीज डिस्कस की थी। आज हम इसकी रिमेनिंग थेरीज डिस्कस करते हैं और उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है लीडरशिप का, वो इंशाल्लाह हम उसमें कवर कर रहे होंगे। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लास? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ट अबाउट व्हाट इज मोटिवेशन, एंड देन वी सेड इट इज द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट वी पुट इन टू डू सम टास्क और टू अचीव समथिंग, एंड देन वी सेड दैट इट नीड्स टू हैव दीज थ्री थिंग्स, एंड इफ यू वांट टू मेजर द लेवल ऑफ मोटिवेशन, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। And then we talked about that motivation works best when individual needs are compatible with the organizational goals. So individual needs and organizational needs या goals match कर रहे हो तो वो बेहतर motivation काम करती है। Otherwise it is difficult to motivate your employees. And then we talked about extrinsic versus intrinsic motivation. तो mainly हमने ये कहा कि it is not about इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ओनली इंट्रिंसिक बिकॉज द चेंज हैपेंस विद इन यू, बट द फैक्टर कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, एंड फैक्टर वर्सेस द प्रोसेस। द प्रोसेस इज इंटरनल, द फैक्टर कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। देन वी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द फेमस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन दैट इज मैस्लो, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, एंड इस पे हमने कहा कि लोग किस तरीके से, ये हायरार्की ऑफ नीड्स है। पर्सन हु हुज फिजियोलॉजिकल नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, ये उसके लिए कोई अच्छे मोटिवेटर्स नहीं होते तब तक, बट वंस दीज आर फुलफिल्ड दे बिकम गुड मोटिवेटर्स, एंड वन दीज टू आर फुलफिल्ड तो नेक्स्ट हायरार्की जो है वो बेहतर होती रहती है। वी ऑल्सो सेड that these three are the lower order and these two are the higher order needs, and then we also divided them into basic needs, psychological needs and self-fulfillment needs. So ये भी इनकी categorization हमने discuss की। Then we talked about the theory X and theory Y, which means that this is a belief of managers about the employees. Some managers think that employees have little ambition, dislike work, avoid responsibility. Those are the managers who belong to theory X. And some managers believe that workers are good, they are self-directed, self-motivated. Those are your theory Y managers. Then we talked about this agency theory and stewardship theory, जिसमें हमने एक्चुअली प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप पढ़ा कि एजेंसी थ्योरी में एक्चुअली जो प्रिंसिपल होता है वो इसको हायर करता है और ये इसके लिए परफॉर्म करता है, बट स्टीवर्डशिप थ्योरी में प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली इस पे ट्रस्ट करता है अपने एजेंट पे, और एजेंट जो है वो इसके लिए चीजों को प्रोटेक्ट करता है। सो ही काम दो डिफरेंट रिलेशनशिप से हो रहा होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी व्हिच इज हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, जिसमें मेजर हमारा जो कॉन्सेप्ट था दैट वी क्लियर्ड वाज दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कल्चर यू टॉकिंग अबाउट, नॉट एवरीथिंग इज अ मोटिवेटर, सम थिंग्स आर हाइजीन फैक्टर्स which are helpful to remove dissatisfaction and bring a person to a neutral level. And then there are motivators which might motivate. So these factors can be different in different situations, but still इसने ये differentiation कर दी थी हमारे लिए। Then we talked about इसी theory में actually
The opposite of satisfaction is not dissatisfaction. The opposite is no satisfaction, maybe. So there's a neutral level. Hygiene factors हमें dissatisfaction से no dissatisfaction की तरफ ले आते हैं, and then motivators can motivate us to towards the satisfaction part. So then we talked about this three needs theory. इसमें हमने कहा कि एक्चुअली लोग जो हैं वो इन तीनों नीड से मोटिवेट होते हैं जब उनकी ये तीनों नीड में से कोई एक नीड पूरी होती है तीनों. बट सम पीपल आर हाई ऑन अचीवमेंट, उनको अचीवमेंट से ज्यादा मोटिवेशन होती है. सम आर फॉर वर्क फॉर पावर एंड सम वर्क फॉर अफिलिएशन ऑफ पीपल. सो इसको हमने लास्ट टाइम पता नहीं कितना वो उसमें किया था. द सिंपल इज ये तीन थेरीज अलग अलग बनती हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन थेरी, पावर मोटिवेशन थेरी एंड अफिलिएशन मोटिवेशन थेरी. ये एक्चुअली एक थेरी से ही आती हैं जिसको थ्री नीड्स कहा जाता है, बट इनको अलग अलग भी डील किया जाता है. एंड देन इन द क्लास हमने कहा ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है कि इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है. लुकिंग एट द आंसर्स और द स्टोरीज दैट यू मेक आफ्टर लुकिंग एट दीज पिक्चर्स विल टेल अस अबाउट योर डोमिनेंट नीड आउट ऑफ दीज थ्री नीड्स. सम पीपल लुक पावर इन इट, सम पीपल लुक अचीवमेंट इन इट, सम पीपल लुक अफिलिएशन इन इट. सो जो भी आप डिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से आपको जो है वो रेट किया जाता है कि आपकी जो नीड थ्री नीड्स थ्योरी है उसमें कौन सी जो नीड है दैट इज मोर इन्फ्लुएंशियल. आज हमने जो डिस्कस करना है एक्चुअली वो कुछ और फेमस थ्योरीज हैं जो मोटिवेशन के लिए यूज होती हैं. एंड इफ वी हैव टाइम तो फिर हम आर्टिकल के बाद मोटिवेशन कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके क्या इश्यूज हैं, उसकी तरफ हम साथ चलेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोटिवेशन एंड गोल्स थ्योरी, इट इज नोन एज गोल सेटिंग थ्योरी. गोल सेटिंग थ्योरी एक्चुअली उन चीजों को रिलेट करती है कि जब लोग आपके लिए गोल सेट कर रहे होते हैं तो किस किस तरीके से गोल सेट किए जाएं दैट योर एम्प्लॉयज और योर सबॉर्डिनेट्स और पीपल अराउंड यू फील मोटिवेटेड, पीपल अराउंड यू विल पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट. सो अगर कोई एग्जाम हो हमारा या पूरी सेमेस्टर की इवेल्युएशन हो और उसमें टीचर आपको इस तरह की स्टेटमेंट देता है, जस्ट डू योर बेस्ट, तो आप कितना एफर्ट करेंगे उस इवेल्युएशन में, उस एग्जाम में, उस सेमेस्टर में, इसके बारे में अगर मुझे थोड़ा सा कुछ बताएं. जी अबकर. क्वेश्चन का दोबारा बताते हैं क्या कहा आपने? क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन मैंने ये पूछा है नहीं सर, क्वेश्चन है दोबारा से क्या था? जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन क्वेश्चन इसके, अगर आप एक सेमेस्टर पढ़ने आए हैं, क्लास में हैं या कोई असाइनमेंट करने लगे हैं या फाइनल एग्जाम है आपका और टीचर आपको कहता है डू योर बेस्ट, जी और कोई हमें हेल्प कर दे. डू योर बेस्ट में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब उसने हमें खुला हाथ दे दिया है कि यार आपको जो आती है समझ,
जितना आपको आता है उतना आप इसको कर दो, ठीक ओके है? मतलब कोई इश्यू नहीं है, मतलब आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं है कि अगर नहीं भी सारा कुछ आता, नो इश्यूज, 100% नहीं आता, जस्ट गिव मी योर बेस्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक, इसमें हम जनरली अगर हमारे पास ये गोल हो कि दैट वी नीड टू डू आर बेस्ट, तो कितना एफर्ट लगाएंगे? सर बहुत आई कम सर, बहुत कम एफर्ट लगाएंगे, बिकॉज आपको कुछ चीज एक्चुअली नजर आ नहीं रही, कुछ समझ नहीं आ रही। एफर्ट तो होगा बट एफर्ट शायद इतना ज्यादा ना हो ना, कंपेयर दिस वन। यू नीड 90 मार्क्स टू कीप गुड सीजीपीए। अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट मिलती है टीचर की तरफ से, तो अब आपकी जो एफर्ट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, दोनों स्टेटमेंट्स को जरा कंपेयर करके मुझे अगर हेल्प करें कि आपके एफर्ट्स किस में ज्यादा होंगे। सर जो फर्स्ट वन है ना, इट्स वेरी जेनेरिक, उसमें कोई गोल सेटिंग नहीं है। जो सेकंड वन है, इट इज मोर फोकस्ड, ओके, तो इट इज उसमें डेफिनेटली इनपुट ज्यादा होगी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा एफर्ट करेगा, ज्यादा मोटिवेट होगा। ज्यादा मोटिवेट होगा। ठीक, सर थ्रेशोल्ड डिफाइन हो गया ना, अब थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड डिफाइन। आप बेसिकली अचीव करने के लिए उतनी एफर्ट करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, उससे पहले आपको पता नहीं था, पैरामीटर सेट नहीं थे। बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक बताएं कि अगर इसी इसी स्टेटमेंट को आप जनरल अंडरस्टैंडिंग रखें जहन में, और इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ये कह दूं कि हमने इसको 60 मार्क्स कर दिया है, लुकिंग एट द क्राइटेरिया ऑफ पासिंग मार्क्स, लेट्स सपोज एट बेस्ट, अगर मैं 90 की बजाय 60 कह दूं, एफर्ट्स पे फर्क आएगा? सर डेफिनेटली एफर्ट में फर्क आएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल। मुझे ये बात बताएं कि एक तो इसमें डिफरेंस ये था कि हमारे गोल्स जो थे, यहां हमारे जो गोल्स थे वो स्पेसिफिक नहीं थे, जनरल गोल्स थे, वेरी जनरल गोल्स। और क्या 90 अचीव करना आसान काम है? टफ है सर, टफ काम है, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, पॉसिबल है। सो एक तो हमारे बिल्कुल सर, गोल्स हैं वो स्पेसिफिक गोल्स हैं कि नहीं है, और दूसरा वो कितने टफ या कितने चैलेंजिंग है या नहीं है। सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट, ये स्टूडेंट के हिसाब से इट्स अ जनरल गोल, इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिसिटी, एंड दूसरी तरफ These goals are एटलीस्ट इजी हैं बंदे के लिए। वो कहता है यार मैंने तो अपना बेस्ट एफर्ट कर दिया था, एज कंपेयर टू व्हेन यू से यू नीड टू गेट 90 मार्क्स टू कीप योर गुड सीजीपीए। एंड इसी पे अगर इसको 60 कर दें, मुझे पता है 60 वाला स्पेसिफिक है। जी सर स्पेसिफिक स्पेसिफिक है बट इजी है, 60 इजियर देन 90 मार्क्स, जी सर, इसी है, आप इजी। फुल पोटेंशियल नहीं देंगे। ओके, अच्छा अब दो चीजें आ गई इसमें, दो चीजें आपने थोड़ा सा वो रखनी है। एक तो स्पेसिफिक आपके गोल्स होने चाहिए, यस इसमें तो हमें कोई शक नहीं, बिकॉज जनरल गोल्स जो है दे आर जनरल गोल्स एंड दे आर इजी गोल्स, बट स्पेसिफिक गोल्स भी इजी गोल्स हो सकते हैं। सो स्पेसिफिक गोल्स के साथ साथ इसको चैलेंजिंग गोल भी होना चाहिए, तब आप ज्यादा एफर्ट पुट इन करेंगे।
हो सकता है कि आपका स्पेसिफिक गोल जो कि इजियर है वो आपके जनरल गोल से भी उसका थ्रेशोल्ड कम हो। डू योर बेस्ट में तो हो सकता है वो 70 80 ले जाए, लेकिन अगर आपने उसको 60 कह दिया, अपनी तरफ से आपने स्पेसिफिक कर दिया उसको, बट वो स्पेसिफिक के साथ उसका जो चैलेंजिंग का मिक्सचर है वो नहीं बना, तो तब भी लोग जो है वो लेस एफर्ट पुट इन करेंगे। ये बात समझ आई सबको? स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ओके गुड। नाउ अब ये दो चीजें तो गोल सेटिंग थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है? गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि जब तक आपके गोल्स स्पेसिफिक नहीं होंगे एंड चैलेंजिंग नहीं होंगे, पीपल विल नॉट पुट एन एक्स्ट्रा और इवन गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट। बट इसको अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक को भी फर्दर एलैबोरेट करें तो मुझे बताएं कि कितना स्पेसिफिक होना जरूरी, सॉरी कितना चैलेंजिंग होना जरूरी है गोल के लिए? सर चैलेंजिंग तो होना चाहिए, बट इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू अचीव। ओके, इतना हो कि जिसमें वो अपनी फुल एफर्ट, आई एम सॉरी सर, अपनी फुल एफर्ट करके उसको अचीव कर सके, जिसमें अपनी फुल अपने रिसोर्सेज को वो स्ट्रेच करके उसको अचीव कर सके। ठीक हो गया, गुड। अब मुझे बताएं अगर इसी की जगह पे हम 100 मार्क्स कर दें इसको, ये मोटिवेशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। रीजन? इसलिए कि आप बहुत हाई टारगेट्स रखते हैं एज कम्पेयर टू द कैपेसिटी, तो वो रादर देन मोटिवेशन कोई डीमोटिवेट होगा, पहले ही सोच लेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो 100 मार्क्स में से 100 लेना एक एब्सोल्यूट सेंस में शायद पॉसिबल हो, बट अब आपने इतनी ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया गोल को कि उसने मोटिवेशन लूज कर दिया है। आगे जाके हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल और डिफरेंट उससे सिनेरियो से दोबारा कंपेयर करेंगे, बट यहां के लिए हमारे पास जो एक्चुअली है वो ये है कि पहली बात, इट शुड बी स्पेसिफिक गोल, इट शुड नॉट बी अ जनरल गोल। सेकंड, इट शुड बी अ चैलेंजिंग गोल, बट एट द सेम टाइम नॉट टू मच चैलेंजिंग, उस पर वो मोटिवेशन की बजाय डीमोटिवेशन हो जाए। तो ये फिलहाल की हद तक हमें गोल सेटिंग थ्योरी ये बताती है कि व्हेनेवर यू हैव टू सेट गोल्स फॉर योर एम्प्लॉइज, दे शुड बी स्पेसिफिक। आप में से किसी ने कहा स्मार्ट गोल होने चाहिए, येस दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, दे शुड बी स्पेसिफिक एंड दे शुड बी चैलेंजिंग इनफ टू बी इंटरेस्टिंग। सो मोटिवेशन थ्योरी एक्चुअली ये कहती है, the research says that setting specific and challenging the frequency of the goal will also matter na, ki aap kab kab usko goal de rahe ho, like agar aap job pe ho ya koi bhi task hai aur har dusre din koi na koi challenge samne aa jata hai, to I think that will be tied some rather than motivational, but usko agar hum challenging mein cover kare na, because agar aap 10 din ka kaam usko 3 din ke liye keh rahe ho to it becomes मोर देन चैलेंजिंग, तो चैलेंज को ही आप एक्स्ट्रा कर देते हैं, अचीवेबल नहीं रहता ना, राइट सर? तो वो फिर पहले दिन से काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा 10 दिन का काम है मुझे 3 दिन मिले हैं, तो एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं, अचीव तो होना ही, राइट सर? गॉट इट। सो देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट कि हाँ ये पॉसिबली अचीव हो सकता है, सो फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाएगी। रिसर्च ये कहती है, बट एट द सेम टाइम, और इसकी फर्दर फाइंडिंग्स अभी हम जरा डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक गोल्स हम क्यों कहते हैं? स्पेसिफिक गोल सेटिंग इनिशिएट
इंटरनल स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है दैट यू नीड टू मेक 8 सेल्स कॉल्स, तो नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक, आपको बड़ी क्लैरिटी होती है कि हाँ ठीक है, मैंने 8 कॉल्स करनी है, दिस इज द टाइम दैट आई हैव एंड दिस इज द टारगेट दैट आई हैव टू अचीव। सो यू आर क्लियर। ये स्पेसिफिसिटी है वो खुद ब खुद एक्ट करती है एज एन इंटरनल स्टिमुलस। हर बंदा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है स्पेसिफिक होने के साथ गोल्स के। व्हाइल चैलेंजिंग क्रिएट एन इंटरेस्ट, दो फायदे होते हैं। स्पेसिफिसिटी से वो एडजस्टमेंट अपनी प्रॉपर कर लेता है, मोटिवेशन उसको खुद ही आ जाती है। चैलेंजिंग होने से, इनफ चैलेंजिंग होने से उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सो ये दो चीजें तो ये काम करती हैं, बट इसमें फर्दर जो है वो क्या एलिमेंट्स हैं इसके। अब डिफिकल्ट गोल्स जो हैं वो डिफिकल्ट हैं, चैलेंजिंग है, सब कुछ ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज ऑल्सो फ्रॉम द डूअर साइड। जिस बंदे ने वो गोल अचीव करने हैं, जिस बंदे ने वो टास्क अचीव करना है, उसकी कमिटमेंट जो है वो उसके साथ होना जरूरी है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट गोल विल ओनली क्रिएट मोटिवेशन इफ दे आर एक्सेप्टेड बाय द डूअर एंड ही और शी इज कमिटेड टू अचीव दैम। आप जितने मर्जी चैलेंजिंग बना लें, जितने मर्जी स्पेसिफिक बना लें, इफ द पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू डू इट, ही और शी विल नॉट डू इट। सो उसकी कमिटमेंट भी आपको गेन करनी है आफ्टर सेटिंग स्पेसिफिक एंड इनफ चैलेंजिंग गोल्स। अगर उसकी कमिटमेंट नहीं है कि वो खुद भी उनको अचीव करना चाहता है कि नहीं, तो गोल सेटिंग में जो मर्जी बाकी चीजें कर लें, वो आप उससे अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं ले सकते। सर, इसमें जी नॉर्मली ये थ्योरी वहां ज्यादा सक्सेसफुल होती है जहां इंडिविजुअल गोल्स जो है दैट मैचेस विद दी जो कंपनी गोल जो उनको सेट किए जाते हैं, दिए जाते हैं ज्यादातर आप ऐसे समझ लें। लेकिन देखें, एक्सेप्टेंस यहां अब उस पर फिर मजीद भी बात करेंगे। देखिए, एक्सेप्टेंस फिलहाल दो तरह की हो सकती है। एक एक्सेप्ट करवाना है आपने उसको गोल, उसकी खैर लिमिटेशंस हैं। एक ये है कि वो खुद भी चाहता है कि वो काम करे। एक तो ये बड़ी अच्छी, ये तो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, बड़ी अच्छी बात है। उसमें से गोल अलाइनमेंट आ जाएगी ना, इंडिविजुअल गोल अलाइनमेंट आ जाएगी। हाँ जी, वो सबसे अच्छा तरीका है। बट मैं वैसे एक्सेप्टेंस कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते। कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो जेलिन हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल, टीचर के ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव ठीक हो गए। इसी तरह मैनेजर जो कह रहा है और वही इम्प्लॉय करना चाह रहा है, एक्सेप्टेंस होगी कि मैंने ये काम करना है, ये तो नेचुरल बड़ा अच्छा तरीका है। बट इसके अलावा एक्सेप्टेंस का एक और तरीका भी तो है, ऑल्दो दैट इज नेगेटिव, बट स्टिल कि मैंने कोर्स पास करना है किस तरीके से भी, तो आई हैव टू डू इट। एक्सेप्ट तो आपने फिर भी कर लिया। इसी तरह एम्प्लॉई को यह है कि इन ऑर्डर टू रिटेन माय जॉब, मैंने ये काम करना ही करना है। दैट मींस दो चीजें, एक बाय फोर्स है और एक बाय चॉइस है। आई थिंक उसने बाय चॉइस ही दोनों की हैं, बट एक्सेप्टेंस के जो आपके मोड हैं वो चेंज हो गए हैं। Why you are doing it? Intrinsic है या again extrinsic है, या personal reason है या organizational reason है। हो सकता है आप वो काम करना भी ना चाहते हो और आप job भी retain करने का ना सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो मैंने बच्चे पालने हैं, बच्चे पालने के लिए मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी करने के लिए मुझे ये काम चाहिए। Maybe you're looking it like this, but accept तो कर लिए ना। For example, आप लोग हैं सारे jobs करते हैं, कितने टास्क हैं जो आप नहीं करना चाहते बट यू एक्सेप्ट देम एंड देन यू रिमेन कमिटेड टू देम, इज इट पॉसिबल?
डेफिनेटली मेनी टाइम्स, यस मतलब आई मीन अगर यस आप 100% का आप टोटल लगें तो आई थिंक 40-50% ऐसे टास्क आप डेली यू आर डूइंग इट जो मे बी आप विलिंगली नहीं कर रहे होते बट सम हाउ यू डूइंग इट बट यू एक्सेप्ट देम एंड यू आर कमिटेड टू अचीव देम. वो कमिटमेंट कैसे क्रिएट हुई है दैट माइट बी डिफरेंट. उसमें हो सकता है कि इम्प्लॉई खुशी से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इम्प्लॉई को बाय फोर्स आपने एक्सेप्ट करवाया हुआ है ठीक है, बट एक्सेप्टेंस उसकी लाजमी है सर. लेकिन इसमें जरूरी तो नहीं ना कि बाय फोर्स ही, उसमें मजबूरन भी तो हो सकती है ना, जैसे आपने अभी जिस एग्जांपल दी कि जी जॉब जी रिटर्न करना चाह रहे हैं. हाँ पॉसिबल है, बट किस भी तरीके से हुआ वो तरीका गलत सही नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो जितने मर्जी स्पेसिफिक गोल्स होंगे, जितने मर्जी चैलेंजिंग होंगे, इनफ चैलेंजिंग होंगे, दे आर यूजलेस अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको अचीव करने के लिए. आप उसको पूरी तकरीर सुना के भेजें और वो ऑफिस में आके आराम से कागज साइड पर रख के बैठ जाएगा. सो एक्सेप्टेंस इज द यू कैन से थर्ड थिंग दैट मस्ट बी देयर, कि वो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करे और वो मोटिवेटेड हो, इनफ मोटिवेटेड हो कि वो गोल्स को अचीव कर दे, अदरवाइज फायदा नहीं है. सो ये क्लियर हो गया तीसरा एलिमेंट. यस सर. जब आप अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे होते हैं या आपका सुपरऑर्डिनेट आपसे बात कर रहा होता है तो बिल्कुल जब वो कहानी अपनी गोल्स की खत्म करके हटता है तो जाते हुए आप अपने सबॉर्डिनेट को या वो आपको नहीं कहता कि ये काम करना है, ऑल्दो आप पहले सारी कहानी सुना चुके होते हैं. तो दैट इज टू आई थिंक इंस्टिल द एक्सेप्टेंस एंड द कमिटमेंट पार्ट इन यू कि ये भी काम करने वाला है, ये सिर्फ सुनने वाला नहीं था. So third thing is that the goals should be accepted and the person should be committed to those goals. फिर एक और मसला आ गया. Will the employee put more effort if he participates in the goal setting? अगर आप उसके साथ मिलके गोल बनाते हैं तब वो ज्यादा एफर्ट पुट इन करेगा, या कि जब आप उसके लिए गोल सेट करते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं तो तब वो ज्यादा एफर्ट पुट इन करेगा, इसका जरा थोड़ा सा बताएं. इसमें सर म्यूचुअली एग्रीड गोल्स जो हैं दे आर मोर प्रैक्टिकल और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी होती है. ठीक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइक चीजें ज्यादा इजी होती हैं अचीव करनी. ओके सर, ओनरशिप आ जाएगी इसमें ऑब्वियसली. ओनरशिप आ जाएगी, ये सारी चीज होने की. एक कॉन्सेप्ट और होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, किसको आइडिया है उसका भी? दैट इज आल्सो रिलेटेड टू गोल मोटिवेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. जी सर, ये भी एक गोल सेटिंग का तरीका है. एम्प्लॉयज और मैनेजर्स और उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में बैठ के डिस्कस करके उसके लिए गोल सेट किए जाते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस को उन्हीं गोल्स के अगेंस्ट इवेलुएट किया जाता है. और उस उन गोल्स की सेटिंग में जब उसकी इनपुट शामिल होती है तो उसकी फिर उस गोल्स के साथ उस काम के साथ उसकी कमिटमेंट हमेशा ज्यादा होती है. जी बिल्कुल सही. सो According to management by objective theory, वो एक और goal setting की theory है, तो this is right कि उसकी participation होगी तो वो ज्यादा effort put in करेगा. But there is other side to it. We are saying maybe वो effort increase करे, maybe increase ना करे. Actually एक और angle से जरा सोच के मुझे बताएं, क्या गोल्स पार्टिसिपेटिव मेथड से सेट करने चाहिए या के जो मैनेजर है उसको ऑर्डर देना चाहिए? सर मैनेजमेंट को ऑर्डर देना चाहिए लेकिन इस तरह के उसको लगे कि मैं पार्ट ऑफ प्रोसेस हूँ, क्योंकि जो आपका जो जिसके लिए गोल सेट किया जा रहा है अगेन उसका विजन काउंट करेगा.
अगर उसका विजन लिमिटेड है तो पहले तो आपको उसको विजन इनहेंस करना पड़ेगा. सो आई थिंक होता भी यही है कि आप खुद सेट करते हो और फिर उसको इस तरह फील कराते हो कि यार ये या आपने खुद ही अपने लिए सेट किया. ठीक। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर सर इट गोल जरा डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय सॉरी जी सर इट अली, डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय एंड योर कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के आपका कॉन्टेक्स्ट क्या और आप जिस एम्प्लॉय के लिए गोल सेट कर रहे हैं या उसे पार्टिसिपेट करा रहे हैं वो एम्प्लॉय कौन है या कैसा है, ये आल्सो इफेक्ट करता है इस बात को. ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अगर गोल जरा डिफिकल्ट वाला हो, ज्यादा चैलेंजिंग हो, तो फिर आपको उसको ऑर्डर देना ठीक है या उसको पार्टिसिपेट करवाना ठीक है? सर आई थिंक लेवल ऑफ हायरार्की को ना काउंट ना, कि आप अगर किसी सीनियर मैनेजमेंट को दे रहे हो या आप सबॉर्डिनेट किस लेवल का है उसको दे रहे हो. एक टॉप लेवल मैनेजर एक मिडल लेवल को गोल्स दे रहा है। सर आई थिंक उसको सिंप्लीफाइड करके वर्जन देना पड़ेगा उसे. ओके, पार्टिसिपेट ना करवाए खैर है। सर पार्टिसिपेशन इतनी काउंट नहीं करेगी उसको. आई थिंक थीम लाइन देना ज्यादा जरूरी होगा कि ये इस तरह से करना है. लाइक 80% उसके लिए डिफाइन कर दे, 20% उसकी परफॉर्मेंस पे छोड़ दे. ठीक हो गया जी। बाकी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उसको की सर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सर जैसे आपने कहा कि एक टॉप मैनेजर मिडिल मैनेजर को अगर कोई गोल सेट करके दे रहा है तो ऑब्वियसली उस मिडिल मैनेजर ने गोल्स को आगे सेल करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के आगे. तो उस गोल के साथ अगर उसकी कमिटमेंट उसकी इनपुट उसके साथ शामिल होगी तो उसको एटलीस्ट कम से कम उन गोल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे कुछ पूछा जाएगा कि कैन यू और योर डिपार्टमेंट अचीव दिस गोल और नॉट. तो ऑब्वियसली उसकी जो वो उसको बेहतर तरीके से सेल कर सकेगा. अगर उसके ऊपर एक ऑर्डर आ गया तो वो उसको इतने अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज के आगे सेल नहीं कर सकेगा. लेकिन एट द सेम टाइम में फिर वही बात करूंगा सर, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गोल की टाइप क्या है. एक्चुअली जितनी भी स्टडीज इस बात पे हुई हैं पार्टिसिपेशन पे, उनके सबके मिक्स रिजल्ट्स ही हैं। बट यस, जैसे हमने हायरार्की की बात की कि जितना आप हायरार्की में टॉप पे जाते रहते हैं उतनी पार्टिसिपेशन से मोटिवेशन ज्यादा होती है। जब आप हायरार्की में उससे नीचे आते रहते हैं तो जो पार्टिसिपेशन की मोटिवेशन है वो कम होती रहती है। वन थिंग, सेकंड थिंग, एक इसके साथ और मसला है। जब भी आप किसी कामचोर बंदे को पार्टिसिपेशन करवाओगे तो यू विल एंड अप हैविंग टू ऑप्शंस। वन, कि उसने गोल्स एक्सेप्ट नहीं किए बिकॉज दे वर डिफिकल्ट और वो काम नहीं करना चाहता था। सेकेंड, आपने गोल उतने डिफिकल्ट सेट नहीं कर सके जितने एक्चुअली चाहिए थे बिकॉज वो उसने आपको बार आपके ऊपर जाने ही नहीं दी। अगर आप पार्टिसिपेशन करवाते हैं और एक बंदा है जो डिफिकल्ट गोल्स को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब नहीं करना चाहता काम, तो पार्टिसिपेशन से हो सकता है आपको अपनी बार नीचे लानी पड़े इन ऑर्डर टू जस्ट अग्री विद द अदर पर्सन। या तो आप अग्री कर जाएंगे लोअर लेवल पे या फिर आपको एंड में वो गोल्स एक्सेप्ट करके नहीं निकलेगा, मतलब ओनरशिप लेके नहीं निकलेगा, आपकी बात सुन के चला जाएगा। सो आपको अगेन देखना है कि पार्टिसिपेशन कितनी चाहिए कितनी नहीं, बट स्टिल पार्टिसिपेशन की अपना लेवल है बिकॉज पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सेप्टेंस को भी असर करती है। एंड बाकी ये चीजें तो ऑब्वियसली हो ही तो फिर ही काम चलता है। देन देयर इज अनदर एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज ऑफ फीडबैक। पीपल विल ऑल्सो डू बेटर इफ दे आर गेटिंग द फीडबैक ऑन हाउ दे आर डूइंग, हाउ वेल दे आर डूइंग। सो एक दफा आप अगर गोल किसी को दे देते हैं, सेट कर देते हैं, जो कि स्पेसिफिक भी है, चैलेंजिंग भी है, एक्सेप्टेड भी है, पार्टिसिपेशन से भी आया था, बट स्टिल आपको उसको फर्दर फ्यूल करने के लिए मोटिवेशन को
आपको उस बंदे को फीडबैक देना जरूरी है। अगर थोड़ा सा काम उसने किया है उस पे, तो आप उसको फर्दर पूछेंगे, बताएंगे कहाँ वो ठीक है कहाँ गलत है। वो फीडबैक जब देंगे तो उस फीडबैक से वो फर्दर उन चीजों में बेहतरी कर सकता है, ज्यादा उसकी कमिटमेंट हो सकती है। When you give an approval, इस पे अभी डिस्कस करते हैं कि फीडबैक का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बट when you give an approval कि somebody is doing good और somebody is not doing good, that will change the level of effort, that will change the level of motivation. इसमें सर जो फीडबैक का मैकेनिज्म है, इट्स अ वर्बल फीडबैक या आप जैसे कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इशू करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक गोल अचीव होता है, इट माइट बी कि आप उसकी एसीआर आउटस्टैंडिंग कर दें, इट कैन बी इन एनी अदर वे कि आप उसको कोई बोनस या कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, ये भी इज अ काइंड ऑफ फीडबैक या फीडबैक वर्बल फीडबैक है अगर किसी एम्प्लॉय को उसका बॉस दे रहा है। एक्चुअली ये आप वाली बात जो है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपके गोल्स की टाइमलाइन क्या है। इफ अ गोल इज फॉर एग्जांपल इज फॉर 5 years, तो उसमें तो आप एसीआर इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर्मल जो फीडबैक है वो इंक्लूड कर सकते हैं। बट गोल्स आर नॉट, सम गोल्स आर नॉट लॉन्गर देन 3 months। So 3 months में ACR तो कहीं भी फिटिंग नहीं होती, that means there should be no feedback. And then formal feedback या informal both can be done. But आपने ये देखना है कि किस टाइम पे उस पुश की जरूरत है आपके एम्प्लॉई को या जो भी सबॉर्डिनेट है, टीम मेंबर है, जो भी है। ये ऐसे ही समझ लें कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन से मोटिवेशन को अगर याद करें ना हम, तो एक दफा तो आप पेडल लगाते हैं एंड स्पीड हो जाती है, उसके बाद जैसे ही गाड़ी आपकी स्पीड थोड़ी सी कम करने लगी, यू गिव अनदर पुश, एंड व्हेनेवर देयर इज अ ओवर स्पीडिंग यू पुश अ लिटिल ब्रेक। लेकिन इसमें खैर ब्रेक वाला एलिमेंट नहीं, बट एटलीस्ट आप कुछ करना पड़ता है। सो इफ इट्स अ 3 months गोल, 3 months टास्क, तो फीडबैक एक्चुअली वो जो पुश का काम करेगी वो करेगी कि जैसे ही वो काम स्लो डाउन होने लगा, आपने उसको फिर पैडल पुश किया कि तुम ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड देन अकॉर्डिंगली वो चलता रहेगा। सो कंटिन्यूस फीडबैक, इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल, दैट डजंट मैटर मच, दोनों तरीके से हो सकती है। तो सर फीडबैक में इसका मतलब हुआ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बस हमने उसको बताते रहना है टाइम बाय टाइम। जी आपने जिस तरह अगर आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने लिखा था ना रिविजिटिंग द डिसीजन। जी बॉस लिखा हुआ है कि चीज ठीक हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि आप गोल सेटिंग करके तो बिल्कुल बरी ना हो रहे, क्या आपने स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल पर आके दे दिए, अब वो आपको एंड में आके बताएगा कि क्या हुआ है। बॉस इसको हम लोग इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट ईयर अगर कोई जनवरी में एक चीज बनाई, अपने टारगेट्स दिए, लेकिन बाद में कोरोना आ गया, अब जब कोरोना एक बहुत बड़ी चीज आई तो हमने फीडबैक लिया सारा कुछ, यार मार्केट अब स्लम में चले गई है, ठीक है, तो अब इसको सारी चीजों को रिविजिट करते हैं, हम इसको इस एंगल में ले सकते हैं ना। काइंड ऑफ यस, बट ये हम एक्चुअली बात कर रहे हैं उस एम्प्लॉई के हिसाब से कि अगर आप उस एम्प्लॉई को पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे अबाउट दैट टास्क, तो फिर वो मोटिवेटेड रहेगा। ठीक हो गया वो, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग में चेंज है, वो एनवायरमेंटल चेंज आई, आपने उसको चेंज कर दिया, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि टास्क गोल सेटिंग कर दी, लेकिन वो जो टाइमलाइंस है गोल की, उसके बाद कब आपने किस तरीके से उसको फीडबैक दिया कि वो बात पुश होता है और ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो यू जस्ट कांट सिंपली डिपेंड ऑन द अदर पर्सन के वो जैसा मर्जी करता रहे। सो दैट मींस फीडबैक इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड गोल इज टू अचीव दैट गोल, तो उसके लिए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। इसमें अब फर्दर चीजें जो और आ जाती हैं, फर्स्ट थिंग इज द लोकस ऑफ कंट्रोल।
दिस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं विद पर्सनैलिटीज विद अदर फैक्टर्स. ये सारी चीजें होते हुए कौन सी चीज फर्दर लोगों को मोटिवेट कर सकती है गोल अचीवमेंट की तरफ. वन थिंग इज दैट पहले लोकस ऑफ कंट्रोल का किसको आइडिया है और किसको नहीं है. जी अहमद साहब आप बता दें थोड़ा सा लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में. सॉरी सर, लोकस ऑफ कंट्रोल. जी सर, नो आइडिया. अच्छा सर, इट इज एक्चुअली कि जो लोग हैं या एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या नॉर्मल जो लोग हैं वो किस हद तक ये समझते हैं कि उनके लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं या उनके सराउंडिंग में जो इवेंट हो रहे हैं उनका यस कंट्रोल इंटरनल है उनके पास है या कंट्रोल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कुछ समथिंग उनके इवेंट्स जो उसके आगे पीछे हो रहे हैं उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं. ठीक हो गया, गुड. सो आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बस किस्मत में ये लिखा था मैं जो मर्जी कर लेता. उन लोगों का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल होता है जो ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरे अलावा किसी वजह से हो रहा है कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे अगर कोई गलती हो जाए या उनका कोई काम खराब हो जाए तो वो खुदकुशी करने चले जाते हैं कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है. यस, दो तरह के डिफरेंट लोग होते हैं, आप लोग भी फेस करते हो. जब भी कोई इवेंट होता है तो आप अपने आप को ब्लेम करते हो या अपने आप को कहते हो या कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से उसको एसोसिएट किसके साथ करते हो. अच्छी बात भी हो सकती है इसमें, बुरी बात भी हो सकती है. इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग और आपको मेरी वजह से अपनी पर्सनल वजह से मैंने अचीव किया है, अगेन लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल. एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज आई एम डूइंग इट और everything is happening because of some external factor. So ye clear, baaki logon ko clear hua? Yes sir, lekin ye dono bahut extreme ends hain. Kabhi kabhi to ek mediating si cheez bhi aati hai na ki sometime kuch internal cheeze bhi hoti hain kuch external bhi hoti hain. Lekin usme kitna zyada aap apne aap ko blame karte ho aur kitna zyada आप एनवायरमेंट को या अदर देन योरसेल्फ ब्लेम करते हो, दैट विल डिफाइन योर लोकस ऑफ कंट्रोल. इसमें इंटरमीडिएट होता नहीं है, इसमें सर इंटरमीडिएट होता नहीं है. आई डोंट बिलीव कि ये बहुत ही पोलराइज्ड है. ये अप्रोच होती है ना, तो अप्रोच तो होते ही पोलराइज्ड है. जिन लोगों को है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं तो वो देखते हैं इसी तरह कि यार एक्सटर्नल मैटर्स कौन थे जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं हो सका. और जिनकी इंटरनल अप्रोच होती है वो हमेशा इंटरनल ही देखते हैं कि हमारी या हमारी टीम की कहाँ पे कमी रही जिसकी वजह से ये अचीव नहीं हो सका. यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. समटाइम्स एक्चुअली हमें हमें खुद असेसमेंट भी नहीं हो रही होती. जी सभा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? विक्टिम वर्सेस विक्टर कॉन्सेप्ट. सर वही लोकस ऑफ कंट्रोल का ही मैं बता रही थी जिस तरह आपने कहा है. तो एक ये होता है कि जो बंदा खुद चीजों को मतलब जिस डीलिंग उसको डायरेक्ट डील कर रहा होता है और दूसरा थोड़ा पैसिव होता है, यानी वो कहता है बस हो गया है, शायद एक्सटर्नली हो गया है या इन इन सोर्सेज से हो गया है. मतलब मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है. ठीक, ये तो इसलिए आप अब रिसर्च या ये थ्योरी मजीद क्या कहती है. ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे इन सारे गोल्स को जिस तरीके से भी हमने सेट किया है. और अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है तो आप लेस मोटिवेटेड होंगे.
आई थिंक द रीजन इज कि जब आपको पता होता है कि अगर मैंने ये गोल अचीव ना किया तो मैं सेल्फ पिटी और सेल्फ ब्लेम में ही जाऊंगा, तो यू ट्राई एंड सेव योर सेल्फ, यू डोंट हैव एन इजी वे आउट। लेकिन जब आपको बैक एंड पे ये पता होता है कि खैर अगर ना भी अचीव हुआ तो मैंने कौन सा अपने ऊपर इल्जाम लगाना है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो फिर आप थोड़ा सा उकसा देते हैं। जी अली सर, मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है कि जैसे सर कुछ लोग होते हैं जो जब सक्सेस होती है तो दे, जैसे हम एट्रीब्यूशन थ्योरी में भी एट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट लोगों के एक्शन इंटरनली कॉज्ड हैं या एक्सटर्नली हैं, उसमें जैसे हम करते हैं कि हम अपनी जो सक्सेस है उसको हम इंटरनल फैक्टर्स से करते हैं कि हमने किया है, बट हमारा कोई फेलियर होता है तो हम उसको एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये हमसे नहीं हुआ, तो उसमें फिर लोकस ऑफ कंट्रोल फिर कहाँ पे जाता है? एट्रीब्यूशन थ्योरी में तो ये चीज काफी हद तक क्लियर है, लेकिन लोकस ऑफ कंट्रोल या लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी जो है उसमें फिर ये चीज कहाँ पे आती है? एक्चुअली वहां आप अपनी जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना उसको और अपने मतलब बहुत सारी और चीजें जो है पर्सनैलिटी का पार्ट है फिर उसको आप मैच करा रहे होते हो। समटाइम्स यू आर सो सेंटर्ड कि सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से आप अच्छाई वाली चीजें तो अपने नाम ले लेते हो और बुराई वाली चीजें बिकॉज आप पे इल्जाम आ रहा है तो आप वो रीजन उधर दे देते हो। लेकिन उसमें भी एक्चुअली कहने और फील करने में डिफरेंस है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत दफा ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ हुआ है और ये वो, वी आर ट्राइंग टू शो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, बट अंदर से हम फील कर रहे होते हैं मैंने अगर ये ना किया होता तो ना होता। सो कई दफा यहाँ प्रॉब्लम आता है एक्सप्रेस करने का और फील करने का। ह्यूमन बींग्स काफी जगहों पर इस तरह की हरकत करते हैं कि एक्सप्रेशन एंड फीलिंग आर डिफरेंट, तो वहां लोकस ऑफ कंट्रोल उनका कुछ ना कुछ होता है इंटरनल या एक्सटर्नल, बट वहां वो अपनी फीलिंग को अपने एक्सप्रेशन से मैच नहीं करते और इस तरीके से बिहेव करते हैं। सर क्या ये कंसेप्ट जनरलाइज्ड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, लाइक एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एज एन एंटिटी भी लोकस ऑफ कंट्रोल वाले फिनोमेनन पे काम करती है? यस, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के आई थिंक कल्चर का और प्रैक्टिसेस का पार्ट ये बन जाता है और जब लोग वहां आते हैं तो वो भी मतलब ऑब्वियसली पक्की आते हैं तो पक्की होती हैं, बट स्टिल यस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है वो इन चीजों को किसी एक कंट्रोल पे जरूर चलती होगी कि किन वजह से हो रहा है किन वजह से नहीं हो रहा। यस yes, होता होगा बिकॉज अगर आप थोड़ा सा ओबी की कुछ थेरीज पढ़े ना तो ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ऑर्गेनिज्म ट्रीट किया जाता है एक राइटर के मुताबिक, तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान के होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ग्रो अप वी लर्न न्यू थिंग्स, when organizations grow they learn new things, they become smarter, they become more experienced, we become more experienced, to yes us pe bhi apply ho sakta hai. सर ऐसे होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये बात कर रही है बिल्कुल ऐसे ही कि उसमें फिर आपके जो रिवार्ड्स हैं या इवन कोई पनिशमेंट है उसमें भी फिर एक्सटर्नल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनका अपना एक माइंडसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है कि सब कुछ लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए, फिर जब वो रिवार्ड्स या इवेलुएशन करते हैं उसमें फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल डिस्काउंट कर देते हैं, उसको बिल्कुल इवेलुएट नहीं करते, उसको काउंट नहीं करते और सिर्फ देखते हैं कि जो कुछ हुआ है वो एम्प्लॉयज की वजह से है, उसी बेस पे फिर उनकी इवेलुएशन होती है। बिल्कुल कर लेते हैं ऐसे ही है। सो इसमें वो एक दो और थेरीज भी हैं कुछ वो कल्चर की और उसकी, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये बिलीव करती हैं कि अगर मैनेजर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर मैनेजर अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट को रखती हैं कुछ नहीं रखती, बट यस ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह बिहेव कर रही होती है, ये उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सर इसमें हम किसी वैसे एग्जांपल को देख सकते हैं जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक टेलीकॉम की या अमेज़न इस तरह की किसी कंपनी के ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं? देख लेते हैं, मैं उसका देखता हूं कि अगर किसी का एनालिसिस हुआ हुआ है या कोई ऐसी चीज है तो उसको कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं।
ठीक है, इसको मैं देखता हूं अगर कोई ऐसी चीज मिलती है हम क्लास में एक्सरसाइज को कर सकते हैं कि नहीं. देन देयर इज सेल्फ एफिकेसी, ये भी इस थ्योरी का फर्दर नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स बट इस पे क्रिटिसिज्म होती है कि सेल्फ एफिकेसी होने और ना होने से फर्दर मोटिवेशन फ्यूल होती है गोल सेटिंग थ्योरी में या नहीं. तो एक्चुअली सेल्फ एफिकेसी इज इंडिविजुअल बिलीफ है ये that he or she is capable of doing something. So, कोई भी जब आप काम करने लगते हो, कोई भी काम आप सोचते हो, कोई भी गोल आपके सामने होता है, तो you have this internal feeling कि क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. How reluctant you are, how confident you are. If you are very confident that you can do it and you think you are capable of doing it, you have a high self-efficacy, or at the same time you can have low self-efficacy. So people who have high self-efficacy will put in more effort, will be more motivated with the same goal setting theory. ठीक short analysis आता है क्या, आप intern अपनी self assessment करते हैं क्या, are you capable? जब आप self एफिकेसी मेजर कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क ऑल द क्लास अ क्वेश्चन, कैन यू ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर ऑन मोटरवे. अब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट आंसर्स आए होंगे अबाउट दिस गोल और अबाउट दिस टास्क. सो हाउ मेनी पीपल आर सेइंग यस, अ वेरी बिग यस. अब्दुल अजीज, अबीर, यस सर, यस सर मींस यू आर हियर और यू कैन ड्राइव. अटेंडेंस नहीं लगा रहे अभी हम. सर मैं सुन रही हूँ आपका लेक्चर. नहीं बट मैंने क्वेश्चन जो पूछा उस पे आर यू सेइंग यस और नो. सर आपके क्वेश्चन पे यस बोला मैंने. ओके ठीक है, गुड जी. बाकी अबू बकर सर जी, क्वेश्चन क्या था जरा एक बार रिपीट कर रहे हैं. क्वेश्चन ये था कि कैन यू ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर यूजिंग मोटरवे. यस सर. यस ओके. खैर ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था. ऑब्वियसली जितने ड्राइवर्स हैं दिल से यस, जितने ड्राइवर्स नहीं हैं दिल से नो. बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वो मिडल में होती है तो फिर आपको डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी पीपल कैन डू टू जॉब्स, कैन यू मैनेज टू जॉब्स इन अ डे. सो यू गेट सम आंसर्स यस नो इस तरह. सो आपका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप कितने केपेबल हैं ऑफ डूइंग सर्टेन जॉब्स और अचीविंग दोज गोल्स. अगर ये सेल्फ एफिकेसी आप मजबूरी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है especially into jobs. Considering everything, what is the answer that you get? ठीक है. So हर बंदे का कोई भी आप कह रहे हैं कि background हो सकता है. जी जी, मसले कोई भी हो सकते हैं. कुछ एक भी एक का भी जवाब नो ही देंगे कि नौकरी तो नहीं कर सकते, तो बड़ा मुश्किल काम है. और कुछ का जवाब दो पे भी ऐसे होगा. But again ये तो हम examples बात करें. There can be tasks जहां आपकी सेल्फ एफिकेसी कम हो, किसी में ज्यादा हो, बट ओवरऑल इट्स एन एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन जिसमें वो सोचता है अबाउट रिलेटेड गोल, कर सकता है कि नहीं कर सकता. सो अगर सेल्फ एफिकेसी ज्यादा हो तो फिर आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं एज कंपेयर टू पर्सन हु डजंट हैव द सेल्फ एफिकेसी. इसमें जो फर्दर बहस हुई वो है डिफरेंट नेशनल कल्चर्स की. नेशनल कल्चर्स फॉर एग्जांपल हॉफस्टेड ने नेशनल कल्चर्स पे स्टडी की और उसने तकरीबन 40 कंट्रीज को डिफरेंट डायमेंशंस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे उसको प्लेस किया
based on the data he collected from IBM employees. For example, उसने पाकिस्तान को कहीं प्लेस किया फेमिनिज्म वर्सेस मैस्कुलिनिज्म में, उसने इंडिया को कहीं प्लेस किया, उसने अमेरिका को कहीं प्लेस किया, तो इस तरीके से. तो उस पर भी थोड़ी सी बहस है कि जिन कंट्रीज में फॉर एग्जाम्पल पावर डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां गोल सेटिंग से लोग कितना मोटिवेट होते हैं या नहीं होते. सो ये भी एक बहस है, इस पर भी थोड़ा सा कम ज्यादा होने के चांसेस हैं. डेफिनेशन एक दफा पढ़ लें, बिकॉज ये सारी बातें हम कर तो चुके हैं, बट एक दफा डेफिनेशन ये पढ़ लें एंड देन वील मूव ऑन टू आर फाइव एलिमेंट्स, उसको जल्दी से कवर करके तो फिर नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हैं. इट प्रपोजेस दैट सेटिंग गोल्स दैट आर एक्सेप्टेड, स्पेसिफिक, चैलेंजिंग येट अचीवेबल will result in higher performance than having no or easy goals. So main ye theory ye cheezein keh rahi hoti hai. And then it has five elements. Isme fifth wala jo hai is pe hum thodi si baat karenge, baki hum sab pe baat kar chuke hain. Clarity, specificity, yes. Clear goals are always more achievable goals. Challenging मतलब not easy to achieve हो, इतने challenging हो कि थोड़ा सा interest और थोड़ी सी difficulty आए. Commitment, something people want to achieve. There can be multiple reasons, but acceptance at least हो. Feedback, how well they are doing. If they get the feedback at some interval, regular interval, तो they will be motivated. एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक्चुअली ज्यादा आपका चैलेंजेस के साथ ही होता है कि कई दफा आप बहुत बड़ा काम जो है वो किसी को कह दे करने को तो शुरू से ही हो सकता है वो डीमोटिवेटेड हो जाए, बट इफ यू एक्सप्लेन एंड इफ यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस इट विल बिकम एन ईजियर टास्क. अ कॉम्प्लेक्स टास्क कैन ऑल्सो बिकम एन ईजियर टास्क. तो गोल सेटिंग करते वक्त आपको ये पांच चीजों की एटलीस्ट जरूरत होती है. इफ यू सेट योर गोल्स बेस्ड ऑन दीज फाइव थिंग्स, कीपिंग दीज फाइव थिंग्स इन माइंड, यू विल बी एबल टू अचीव मोर मोटिवेशन और मोर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज एज कंपेयर टू व्हेन यू विल मिस एनी ऑफ दीज थिंग्स और मे बी ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जी, इस थ्योरी पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई और चीज? सर मुझे थ्योरी की बाकी चीजें तो सारी समझ आ गई है, मुझे बस वो लोकस ऑफ कंट्रोल का जरा क्लैरिटी नहीं हुई. लोकस ऑफ कंट्रोल की क्लैरिटी ये है कि आप मुझे चलें ये बताएं कि जो होता है वो किस्मत की वजह से होता है या चक्कर है? सर पहले मेहनत है आपकी, फिर उसके बाद किस्मत आती है. अच्छा, जो लास्ट आपको फेलियर हुआ था कोई भी लाइफ में, सर सर उसके ट्रू जो आप समझते हैं कि रीजंस क्या थे? सर मेरा जो भी लास्ट फेलियर हुआ, अगर आप अलाउ करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप बताइएगा. मुझे लगता है कि उसमें कि क्या था. जी बताएं. सर वो हमारा इन हाउस था कि हमें एक इन हाउस, मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी अच्छी खासी एलिवेशन के लिहाज से, जिसके अंदर मैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से मुझे ट्रांसफर हो रही थी एक हेड की पोजीशन पे, जो कि मेरे दो ग्रेड अप की थी. तो लेकिन उसके अंदर मेरे जो अभी एग्जिस्टिंग बॉस थे उन्होंने मुझे एनओसी नहीं दिया. अच्छा, ठीक हो गया. और हाँ जी, और जिसकी वजह से मेरा उस वक्त कहा गया कि जी आपकी वजह से तो यू आर इंडिस्पेंसिबल, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो ये बंद करना पड़ जाएगा. लेकिन उसके ये हुआ अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद हमारी अभी एपीआर आई जो एसीआर अभी जिक्र भी हो रहा था, उसके अंदर मेरी एक प्रमोशन भी गई हुई थी, वो भी काट दी गई. ग्रेड को भी ए से सी कर दिया गया कि जी इसकी हिम्मत किस रही कि इसने दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई क्यों किया है. ठीक.
तो ये मेरे साथ तो सबसे आखिरी बैड सीन ये हुआ है। लेकिन ये बैड सीन जो आपके दुश्मन लोग बन गए हैं, ये किस वजह से बने हैं? सर अब यही समझ नहीं आया, मतलब एक जगह पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यार इसकी तो दूसरी जगहों पे भी नो हाउ है, ये जा भी सकता है, लेकिन एक हमारी बैंक की इंटरनल पॉलिसी है कि जब तक आपको आपका एग्जिस्टिंग बॉस एनओसी नहीं देता ना, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके तो उसने मुझे फंसा लिया और अब वो कहता है, और उसके उनके वर्ड्स थे कि यार मैं आपको रखूंगा भी और देखे मैं आपके साथ करूंगा क्या, और वो कर रहा है। वो जो अभी बात हो रही थी ना कि मजबूरी में आप जॉब करते हो, सारा कुछ करते हो, अब वो सारा कुछ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जी सर, आई थिंक अभी तक की आपकी कॉन्वर्सेशन से आपका लोकस ऑफ कंट्रोल सारा एक्सटर्नल है सर, मुझे तो ऐसे लगा। मतलब इसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है सर, बट इस बिकॉज आपकी अगर आपके इस स्टोरी की ट्रांसक्रिप्शन की जाए, ट्रांसलेशन की जाए, तो उसमें बॉस बार बार आया है, उन्होंने किया है, एनओसी नहीं मिला, कंपनी की पॉलिसी ठीक नहीं है, कहीं भी आप खुद नहीं आए। जी बॉस, मैंने मतलब मैं उधर तक ही था कि मैंने अप्लाई किया, सिलेक्ट हुआ, इंटरव्यूज हुए, सारा कुछ हुआ, वो मैंने किया। लेकिन हो सकता बाद में इसमें कोई और बंदा एक होता तो कहता यार अगर मैंने बॉस के साथ जरा पहले डिस्कस किया होता ना। सर मैंने मुझे किया था, मैं आपको बताऊं, उनका ख्याल था कि यार ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, मतलब ये हो ही नहीं सकता सिलेक्ट ना। उन्होंने अपने अपने अपना कहा, उन्होंने ना कर दिया। वो कहते हैं हाँ तुमने मुझसे किया था डिस्कस, सारा कुछ था, लेकिन मैं क्या डिपार्टमेंट बंद कर दूं? तो वो बाद में लोगों ने मुझे बताया कि यार उसका ये ख्याल था जब उसने तुम्हें ओके दिया था कि तुमने होना ही नहीं है, तो उसने कहा यार मैं अच्छा भी बना रहूंगा, सारा कुछ होगा। तो मैं तो बाद में इसको किस्मत पे ही डालता हूँ कि यार मे भी मेरे लिए कुछ अच्छा हो, अल्लाह ताला ने कुछ सोचा हो, मैं क्या कह सकता हूँ। Eventually, तो हमने अपने आप को इसी तरह obviously adjust करना होता है, otherwise तो चल नहीं सकते ना हम life में। But I think इन बातों से थोड़ा सा लग रहा है कि आप external पे ज़्यादा focus कर रहे हो। तो इस तरीके से सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई इवेंट होता है, क्या आप सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं या आप लोगों से वो करते रहते हैं, मतलब लोगों पे वो करते रहते हैं? इवेंट अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं और सारी चीजें हो सकती हैं, बट पॉसिबली आपका फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या होता है, दैट कैन बी, अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो तो गोल अचीवमेंट में आप ज्यादा मोटिवेशन पुट इन करते हो, इस वजह से कि आपके पास वो बहाना भी नहीं होता कि इन्वायरमेंट ही ऐसी है, चलो ना भी गोल अचीव हुआ तो खैर है, बिकॉज आपको पता है इवेंचुअली आपके साथ भी यहाँ सर। इस तरीके से उसको रिलेट हम कर रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जो कॉन्सिक्वेंसेस है किसी भी चीज का, वो किस पे डिपेंडेंट है, इधर ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट? दिस इज लोकस ऑफ कंट्रोल। एक तो ये है ना कि रीजन क्या है, रीजन कैन बी एनीथिंग। हम लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप किसको रीजन ठहराते हो, आप जो इवेंट्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, आप क्या समझते हो कि आपके कंट्रोल में थी और हैं, या क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं सर, मेरे कंट्रोल में आई गेस के नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक, सो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इज एक्सटर्नल। ठीक है सर। और सर मतलब इंटरनल, इंटरनल का मतलब हुआ जहां हम लोग हड़हरामी में आ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंटरनल का मतलब ये एक्चुअली आदत की बात होती है, पर्सनैलिटी की बात होती है। मैंने बताया ना कुछ लोगों से ये एक्चुअल हुआ है। फॉर एग्जांपल चाइना में आईफोन का प्रोटोटाइप एक बंदे से मिसप्लेस हो गया। मिसप्लेस इस तरह हो गया, उसने ज्यादा संभाल के ज्यादा रख दिया होगा, वो ज्यादा संभाल गया, ज्यादा संभल गया, समझे कि उसको याद नहीं रहा कि उसने कहां संभाल दिया, और बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। उसने अपने कोलीग से डिस्कस किया कि यार वो प्रोटोटाइप मेरे से गुम हो गया, और उसने नेक्स्ट few minutes or I think one or two hours उसने suicide कर लिया। उफ, तो मतलब खैर वो important भी था कि इतना जो important चीज़ है वो उसने misplace कर दी, but still उसके बड़े तरीके हो सकते थे, लेकिन उसने खुदकुशी कर दी, बाद में prototype मिल गया। तो कई दफा एक चीज clear कीजिएगा कि जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिन लोगों का होता है उनको मोटिवेट करना ज्यादा मुश्किल होता है
बनिस्बत इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल करना। यस, गोल सेटिंग थ्योरी की सारी चीजें ठीक होते हुए जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होगा वो कम मोटिवेटेड होंगे और जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। क्योंकि सर पर्सनली स्पीकिंग मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ये रहा है, जिन लोगों का जरा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उनको उनको मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उनके देखिए हमें हमारा दिमाग हम बहाने मानता है, उसको अच्छा बहाना मिल जाए तो वहीं वो काम करना बंद कर देता है कि हाँ बस ठीक है, हाँ ये मसला था इसलिए ऐसे हो रहा है। तो जब तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल सिर्फ ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि कंपनी एक नेशनल कल्चर भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा लोकस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल है, बिल्कुल है, ये इवन रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। मैं एक बात इस पे वैसे एक जो रियलिटी है जो हम एक दफा मिस कंसेप्शन है बहुत बड़ा, हम तकदीर और किस्मत को एक ही समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं नहीं फेट तो लिखी हुई है और इस पे बिलीव ना करना जो है वो तो बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा, ऐसे कह रहे होते हैं ना कि जो होता है किस्मत की वजह से होता, नहीं किस्मत लिखी हुई है। एंड यस वी बिलीव के एक्चुअली किस्मत नहीं लिखी होती, तकदीर लिखी होती है। तो आई थिंक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है अगर वो हो जाए तो उससे बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कोई भी एक पॉइंट इन लाइफ जब होता है आपके पास, कोई भी एक पॉइंट इन लाइफ तकदीर लिखी हुई होती है। पर तकदीर का मतलब ये है आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास शायद ये ऑप्शन है और हो सकता है ये भी ऑप्शन हो। अब अगर आप इस सिचुएशन में आके और जाके पटरी पे सर रख देते हैं तो डेथ पास ही है, कोई मसला नहीं है, ये डेथ आपकी यहां हो जाएगी विद इन फ्यू मिनट्स। बट अगर आप ये डिसीजन ले जाते हैं वहां तो हो सकता है योर लाइफ इज लाइक दिस वन। सो तकदीर जो है वो पूरी लिखी हुई है, ये तकदीर सारी ऑप्शंस लिखी हुई हैं, बट हाउ यू डिसाइड एंड व्हाट यू डिसाइड इज गोइंग टू डिसाइड क्या होगा आपके साथ। सो आप बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। हाँ ये भी मसला हो सकता है कि आपकी तकदीर ही ये लिखी हो जो मर्जी ऑप्शन ले लें एंड रिजल्ट मोर और लेस वही है, ये भी पॉसिबल है। बट आई थिंक तकदीर जो डिजाइन की हुई है वो कुछ इस तरीके से की हुई है, यू गॉट मल्टीपल ऑप्शन, कितने अच्छे डिसीजन आप करते हो, कितना अच्छा आप काम करते हो, दैट इज गोइंग टू लीड टू द आउटकम्स और द रिजल्ट्स। अच्छा सर इसको आगे लेते चलते हुए हम जब लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं तो आप के दोनों इंटरनली जो इंटरनल लोकस वाले के लिए डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चाहिए होगा और एक्सटर्नल के लिए डिफरेंट चाहिए होगा ऑब्वियसली। हाँ वो डिफर करेगा, यस हो सकता है आपको वहां एक्सटर्नल के लिए जो है वो टास्क ओरिएंटेड बंदा चाहिए कि वो उसको जरा उसमें रखे, और दूसरे के लिए हो सकता है आपको रिलेशनशिप ओरिएंटेड बंदा चल जाए कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। बट यस हो सकता है डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सके, डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट करे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ये पांच एलिमेंट्स ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। देन वी हैव अनदर आई थिंक टू थ्योरीज दैट वी नीड टू कवर, सो उसको जरा करते हैं। ये अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसकी क्या अजम्पशंस हैं कि जो भी बिहेव एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या एक बच्चे की बात कर लेते हैं, वैसे ये इसकी जो रूट्स हैं
वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डॉग्स पे मंकीज पे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल दो किस्म के बिहेवियर्स हैं, एक डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं कि जो आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करें लोग, और दूसरे आपके हैं अनडिजायर्ड बिहेवियर्स. ये पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमें क्लियर हो जाए. डिजायर्ड बिहेवियर फॉर एग्जांपल, एक बंदा टाइम पे आ रहा है जॉब पे, दैट इज अ डिजायर्ड बिहेवियर. एक बंदा लेट आ रहा है जॉब पे, दैट इज एन अनडिजायर्ड बिहेवियर. इसी तरह बहुत सारे बिहेवियर्स को आप अगर कैटेगराइज करो तो दे आर इन टू टू फॉर्म्स, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड बिहेवियर्स, जो आप अपने एम्प्लॉइज से या पेरेंट्स अपने बच्चे से चाह रहे होते हैं. अब आप ये भी देखते हैं कि जो डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं उसके लिए जब भी वो बिहेवियर, अच्छा खुद इसको और थोड़ा सा रूट से लेके चलते हैं. डिजायर्ड बिहेवियर्स आप चाह रहे होते हो कि बार बार परफॉर्म हो, अनडिजायर्ड बिहेवियर आप चाह रहे होते हो कि दोबारा कभी परफॉर्म ना हो. सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी अब क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि डिजायर्ड बिहेवियर जो है इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड इज एक्सटर्नली कॉज्ड एंड इफ रीइंफोर्स्ड इज लाइकली टू बी रिपीटेड. फॉर एग्जांपल, एक बंदा टाइम पे आ रहा है एंड आप उसको एप्रिसिएशन दे रहे हो कि हाँ जी बहुत अच्छा है, आप बहुत टाइम पे आ रहे हैं. एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको एप्रिशिएट करते हो, रिवॉर्ड करते हो, किसी भी तरीके से रिवॉर्ड करते हो, तो वो बिहेवियर जो है वो दोबारा इनकरेज होगा, मोटिवेट होगा बंदा वो बिहेवियर को दोबारा रिपीट करने में. री इन्फोर्स करेंगे आप, एक दफा इन्फोर्स किया री इन्फोर्स करेंगे. हाउ डू यू री इन्फोर्स? मोस्टली बाय अटैचिंग इट विद सम रिवॉर्ड. So, जब आप किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं अच्छे बिहेवियर को, तो वो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एट द सेम टाइम यू पनिश टू नॉट टू रिपीट द अनडिजायर्ड बिहेवियर. सो समटाइम्स यू रिवॉर्ड दोज बिहेवियर्स विच यू वॉन्ट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म रिपीटेडली, they are desired behaviors, and sometimes you punish the behaviors which are undesired by the organization or by the boss or by your parents. So jitna aap baar baar usko reward karenge utna zyada motivatedly desired behavior wo perform karega. Aur ye punishment pe hai thode se questions, is pe hum discuss karte hain. But usually if you want people not to repeat the undesired behavior, you usually punish them. So, इससे हम अगर बात करें तो positive reinforcement is preferred for its long-term effects on performance. But जब हम ये undesired behaviors की बात करते हैं तो दो methods use हो सकते हैं, या तो आप punish कर देते हैं या आप ignore कर देते हैं. इग्नोर करने के अपने प्रॉब्लम्स हैं, पनिश करने के अपने प्रॉब्लम्स हैं. इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम होता है? इग्नोर करने से यह प्रॉब्लम होता है कि वो बिहेवियर जो है वो हैबिचुअल हो जाता है एम्प्लॉई उस बिहेवियर का, एंड समटाइम्स इट्स वेरी लेट टू अमेंड इट. एंड इफ यू अमेंड इट आफ्टरवर्ड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पनिशमेंट जो है वो ज्यादा तंग करती है आपको और डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो जाता है. सो अगर आप पनिश करने से समटाइम ये भी होता है सर कि नेगेटिव रिएक्शन आता है. आई मीन अगला कहता है जो करना कर लो, मैंने ये करना, वो नेगेटिव वो उसमें वाइब्स आना शुरू, वो डिसफंक्शनल बिहेवियर में चला जाता है. वो नेगेटिव डिविएटिंग बिहेवियर में चला जाता है, डिसोबीडियंस में चला जाता है.
बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो अब आपको ये ऑप्शन लेनी है कि आपने उसको पनिश करना है या इग्नोर करना है। आई थिंक तो सर इसमें थर्ड ऑप्शन काउंसलिंग की नहीं हो सकती? काउंसलिंग की ऑप्शन बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, काउंसलिंग भी हो सकती है इनफॉर्मल वे में। आई मीन आप उसको फॉर्मलाइज ना करें बट इनफॉर्मली आप उसको थोड़ा सा कहते हैं ना समझाना, वो फैक्टर जो है ना अफेक्टिव ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल इग्नोर करना भी अच्छा नहीं है, अगले को अपनी जो डेफिशिएंसी है वो पता ही नहीं चलती कि ये मैं मे बी वो अनकॉन्शियसली कर रहा हूँ, उसको पता ही ना हो कि ये चीजें कितना उसको सेटबैक दे रही है। तो डायरेक्शन देना भी जरूरी है कि कहाँ वो मतलब फीडबैक देना या जो है वो कि कहाँ गलत कर रहा है कहाँ सही कर रहा है। इन अ वे ऑफ काउंसलिंग कर दे, मेंटोरिंग कर दे, तो वो उसमें एक होता है ना आप दोस्ती यारी में एक बात अगले को कन्वे कर रहे होते हैं तो वो शायद इतना फील भी नहीं होता अगले को और वो रियलाइज भी करता है कि आई एम रॉन्ग और वो उसको वैल्यू भी करता है और आई एम श्योर उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है। ठीक हो गया, गुड जी। बाकी लोग शुड बी पनिश इग्नोर काउंसिल क्या करना चाहिए? सर मैं ऑडिबल? जी 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 सना। सर देखिए अगर हम इग्नोर करते हैं तो इनिशियली जैसे वो इवेंचुअली तो फिर पनिश पर आ जाएगा ना स्टेज, मतलब बहुत ही मतलब बहुत रेशियो टुवर्ड्स लेस देन 50% ही होगा कि वो हमारा इश्यू जो है रिजोल्व हो जाएगा। अगेन जैसे सुंदर ने कहा कि या तो प्रॉपर काउंसलिंग के साथ इग्नोरिंग से भी ज्यादा एक बेटर है कि तो ये मिक्स नहीं बन जाएगा कि पहले इग्नोर करें फिर जब थोड़े से अगर तो वो इवेंचुअली हैबिटुअल बन रहा है तो फिर इवेंचुअली पनिशमेंट पे आ जाएंगे। सर आई थिंक द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिस्टेक गोना काउंट अगेन कि आप लाइक अगर उसने कुछ कर दिया एंड दैट वाज नॉट एज पर द पॉलिसी और like for once just pointing out or ek ya do bari ke baad us pe kaam karna kyunki baazu ka human nature ki hum baat kare to it is inclined toward it na to mere khayal mein it shouldn't be punished right away with we have to be careful, very careful because we are setting example for the other. Okay ji कोई और आई थिंक बोलना चाह रहा था। जी सर, सर इट विल डिपेंड ऑन द मिस्टेक एज वेल कि वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो कितना सीरियस है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कितने ज्यादा सीरियस है। एंड एक और बात के अगर आपने उसके लिए सब रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज इन प्लेस रखी हैं क्लियरली then अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ज्यादा सख्त हैं तो देन यू हैव टू नेगेटिवली उसको रीइन्फोर्स करना पड़ेगा, उसको पनिश करना पड़ेगा। बट अगर आप उसको किसी हद तक फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है जिसमें आप उसको थोड़ी बहुत फ्री विल देते हैं तो फिर या अगर आपने उसके हमने कोई पॉलिसीज नहीं ओपनली रखी या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश 100% एग्जैक्टली नहीं है, उसके पास किसी हद तक अपनी जो डिस्क्रेशन है वो यूज करने का चांस है या ऑप्शन मौजूद है फिर आप उसको 100 उस तरह पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, गुड सर। इसमें वो आपकी जो है एग्जांपल जो आपको देते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर यू हैव टू बी ऑन लाइक और किस्म की मैनेजमेंट हो रही होती है तो आई थिंक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जैसे अभी भी स्पेलोज ने भी बोला इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी मैटर करेगा डेफिनेटली। ठीक, अच्छा मुझे ये बात बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है एक ही प्रॉब्लम एक ही सिचुएशन को दो डिफरेंट किस्म के लीडर्स दो डिफरेंट ऑप्शंस यूज करें, इग्नोर करना, काउंसल करना, पनिश करना? यस सर ऑब्वियसली। ठीक सर जी जी सभा सर अभी अली साहब ने बताया कि फॉर इंस्टेंस इटसेल्फ मतलब उसकी सिवियरिटी भी डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट है, कोई हरासमेंट है, एम्बेजलमेंट है, फ्रॉड है, इन चीजों के ऊपर आप काउंसल नहीं कर सकते। प्लस इसका मतलब ये नहीं होता कि एक बंदा एक दफा हरकत कर रहा है तो आप काउंसल कर रहे हो, दूसरी दफा पहली दफा इग्नोर कर रहे हो, दूसरी दफा काउंसिल कर रहे हो, तीसरी दफा आप उसको पनिश कर रहे हो।
बेसिकली अगर आपको कुछ प्रेशर कोर्सेज किए हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, ओरिएंटेशन है, ये सारी चीजें ऑलरेडी काउंसलिंग का पार्ट है. आपने उसको उसका सेल्फ अवेयर किया हुआ है उस चीज के ऊपर. अगर फिर भी वो इसको इंटेंशनली कर रहा है तो उसमें फिर आप रिकरेंस नहीं देखेंगे. यानी कई चीजें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम ही ग्रॉस मिसकंडक्ट में आएगा तो वो फिर दैट वुड लीड टू पनिशमेंट एक्चुअली. और कुछ चीजें हैं, सर्टन चीजें, फॉर इंस्टेंस बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ये ऐसे हैं आपको, मतलब अगर आप उसका रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं और आपको समझ लग रही है कि प्रोबेबली मतलब वो बंदा खुद ही क्लियर नहीं है उस चीज के ऊपर, तो प्रोबेबली उनके सॉल्यूशंस में आप काउंसलिंग कर सकते हैं और उसको उस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. इसमें सर आई थिंक सभा की बात भी ठीक है डेफिनेटली, लेकिन वो जो लाइन होती है जो क्रिमिनल एक्ट की तरफ चली जाती है और मिस्टेक्स की तरफ चली जाती है वो काउंट करती है. लाइक हैरेसमेंट का केस आ गया या मिस आपके मनी के टाइप की कोई चीज आ गई, वो तो एक डेफिनेटली क्राइम के केस में चला जाता है, उसको आप मिस्टेक में तो नहीं काउंट कर सकते. दैट मींस जो ऑनेस्ट मिस्टेक है उस पे आप काउंसलिंग और इग्नोर कर सकते हैं, बट जो डिलीबरेट मिस्टेक है उसमें नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज होमिसाइड, वर्क प्लेस होमिसाइड, कत्ल कर देना अपने को वर्कर को, उस पे काउंसलिंग करें. सर उसमें कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है कि उसकी जो सजा है, जैसे कोई भी एक्ट है, इवन क्रिमिनल एक्ट है, उसमें अगर किसी को सजा दी जा रही है तो उसके सजा के साथ उसको काउंसलिंग भी की जा सकती है. दिस थिंग इज नॉट डिजायरेबल एट अ वर्क प्लेस या कुछ भी ऐसी चीज, तो उनको कॉम्बिनेशन भी काउंसलिंग के साथ कॉम्बिनेशन में भी आप उसको यूज कर सकते हैं. बिल्कुल सही. सर आप एक्सट्रीम एंड की बात कर रहे हैं ना, हम तो जनरलाइज कर रहे हैं ठीक, बट मैं सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट वो चीजें करना चाह रहा था कि अगेन वी कांट से कि आप इग्नोर करने से आपके मसले हल हो जाएंगे या काउंसिल करने से हो जाएंगे या पनिश करने से हो जाएंगे, बट फॉर जनरल टास्क, फॉर गुड सबॉर्डिनेट्स, फॉर गुड पीपल हु आर अगेन थेरी वाय वाले मैनेजर्स के लिए इग्नोरिंग काम कर सकती है फॉर सर्टन टास्क. अगेन बहुत सारे लोग जो हैं वो पनिशमेंट की तरफ जाते हैं, पनिशमेंट भी काम करती है अपना. द आइडिया इज कि कोई डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है इसमें चीज, बिकॉज इग्नोरिंग ज्यादा देर के लिए हो तो वो उस बंदे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, पनिशमेंट जो है वो भी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है इस वजह से कि वो एकदम उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा और वो डिसफंक्शनल बिहेवियर्स की तरफ चला जाएगा. तो यस दीज आर द प्रॉब्लम्स. बट आप सर फॉर इंस्टेंस इस तरह काफी मैनेजर्स की एक अप्रोच होती है कि वो इवन काउंसिल भी आपको वन ऑन वन नहीं कर रहे होते, लाइक दिस इज अ मीटिंग, आपके काफी सारे कोलीग्स भी बैठे हुए हैं और उसमें विदाउट नेमिंग अ पर्सन आप सिनेरियो बता रहे होते हो या आप बता रहे होते हो, तो वो चीज भी एक मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि जनरल जो आपके रूटीन टास्क है उसमें वो चीज भी बड़े काउंट कर रही होती है कि यू आर नॉट नेमिंग अ पर्सन, यू आर नॉट पॉइंटिंग हिम आउट, बट यू आर जस्ट स्टेटिंग एन एंटायर सिनेरियो कि उसमें ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे हो सकती थी या इस तरह. तो वो भी अप्रोच बहुत यस इफेक्टिव हो सकती है. यस कि आपने मैसेज भी दे दिया और उसको वो पनिशमेंट सेंट्रिक एटीट्यूड भी नहीं रखा, तो यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी. यस सर सर जैसे आपने आगे एक बात कर रहे थे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लीडर्स जो हैं सेम इंसिडेंट के बारे में डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, बट आई थिंक कि इवन सेम लीडर सेम सिचुएशन लेकिन डिफरेंट पर्सन के बारे में डिफरेंट अप्रोच रखते हैं. जैसे कोई एम्प्लॉय है उससे फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो रही है, जैसे पेरेंट्स होते हैं दो जो सिब्लिंग्स हैं वो आपस में कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है. हो सकता है किसी की काउंसलिंग की जाए, किसी का इग्नोर कर दिया जाए, तो इवन सेम मैनेजर्स सेम सिचुएशन लेकिन डिफरेंट एम्प्लॉयज के साथ उनका वो जो पनिशमेंट है या काउंसलिंग है या इग्नोरिंग है वो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा. बिल्कुल सही बात. एक्चुअली मोटिवेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और जब लोगों को मैनेज करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादातर इंडिविजुअल बेस पे ही डील करना बेहतर रहता है. कुछ जनरल रूल ऑफ थंब जो है वो सब पे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. यस वो भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हर बंदे को आप डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हो. सो ये एक थ्योरी है. देन वी हैव लास्ट थ्योरी एंड देन वी मूव टुवर्ड्स आवर आर्टिकल. एक्विटी थ्योरी, आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी.
इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप नए नए ग्रेजुएट होते हैं, जो एग्जांपल यूजली बुक्स में होती है, नए नए ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान में और आपको 80,000 की जॉब ऑफर होती है आजकल के जमाने में, बैचलर्स लेवल की डिग्री आपके पास नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी मोटिवेटेड। बट जैसे ही एक दो माह आपने काम किया और आपको पता ये चला कि आपका काम करने वाला ही जो साथ आपके हायर हुआ था बंदा तकरीबन आप जैसा ही बंदा था, वो 90,000 है उसकी सैलरी, तो देन योर मोटिवेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बिफोर यू न्यू एंड आफ्टर यू न्यू। सो आइडिया इज कि जब भी हम मोटिवेशन हमारी होती है नहीं होती जो भी है, उसमें मेजर एलिमेंट एक इक्विटी का होता है। आई होप वी आर क्लियर अबाउट द इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी मीन्स जस्टिस, इक्वालिटी मीन्स बराबरी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 100 रुपीज और मेरे पास दो वर्कर्स हैं और मैं दोनों को 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये सीधा सीधा इक्वालिटी कर रहा हूं मैं। बट अगर मेरे पास 100 रुपीज हैं और एक वर्कर ठीक काम करता है, ज्यादा बहुत अच्छा काम करता है, और एक बस दरमियाना काम करता है, तो हो सकता है मैं 70-30 के रेशियो से जाऊं। आई एम डूइंग दिस बेस्ड ऑन जस्टिस, आई एम डूइंग द इक्विटी। इक्विटी को डिजर्व के नाम से भी ट्रांसलेट किया जाता है, व्हाट यू डिजर्व, एक्चुअली जस्टिस। हमारी मोटिवेशन का प्लस माइनस होना, ज्यादा कम होना, इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस इक्विटी थ्योरी, जो क्या प्रपोज करती है, दैट एम्प्लॉइज परसीव व्हाट दे गेट फ्रॉम अ जॉब और अ सिचुएशन in relation to what they put in. एक तो ये तरीका है, and then they compare their input outcome ratio with the input outcome ratio of the relevant other. सर ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती है? ये इतनी डिटेल में और इतनी चीजों की है, पहले एक दो चीजें समझ लें कि आपके दिमाग में कोई ना कोई रेफरेंट होता है। रेफरेंट का मतलब है जिससे आप रिफर कर रहे हो। नाउ ये भी हो सकता है, जनरली क्या होता है, आप कितना एफर्ट कर रहे हो, आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, इसको आप कंपेयर करते हो कि दूसरा बंदा कोई भी कितना एफर्ट कर रहा है और कितना रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। जब आप ये कंपेरिजन करते हो, अगर आपको जस्टिस नजर आता है तो यू आर फाइन, यू आर ओके। अगर आपको जस्टिस नहीं नजर आता, आपकी मोटिवेशन को ये इंपैक्ट करेगा। आई थिंक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशनल लेवल ऑफ योर एम्प्लॉइज, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी। जब हम भी अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें, इधर उधर देखें, आप कहते हो यार मैंने ये किया हुआ, मैंने ये करता हूं और मुझे इतने पैसे, और उसको कल आया और उसको इतने सारे पैसे मिल गए, उसको ऑफिस ऐसा मिल गया, मुझे ऑफिस ये मिल गया, इसको ये कर रहा है, उसको ये कर। यू ऑलवेज मेक कंपैरिजन विद अदर पीपल एंड इवन द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम दिस इक्विटी कैलकुलेशन। So, अगर आपको लगता है कि इफ द रेशियोज आर परसीव्ड एज इक्वल, देन द स्टेट ऑफ इक्विटी एग्जिस्ट, फेयरनेस है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब प्लीज इसकी फर्दर डिटेल में देखते हुए, सिर्फ ये नहीं है कि काम क्या कर रहे हैं, नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और आपको
1,00,000 रुपया मिल रहा है, एक दूसरे क्वालिफिकेशन वाला बंदा आता है जिसकी लेट से कि उसकी एमफिल है, काम तकरीबन आप जैसे ही करता है और उसको 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, यू विल बी फाइन विद इट, यू शुड बी फाइन विद इट, बिकॉज आप कहते हैं हाँ यार चलो एमफिल भी तो किया हुआ है, 10,000 ज्यादा ले रहा है तो कोई बात, यू थिंक इट्स फेयर। बट द मोमेंट आप कंपेरिजन करो और आपको थोड़ा सा भी जस्टिस से डिविएशन नजर आए, फेयरनेस ना नजर आए, आपकी डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है। और ये भी होता है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो, आप कई दफा अपने आप को अपने आप से भी कंपेयर करते हो, तब भी आपको या आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा लगती है या बहुत कम लगती है, दैट कंपेरिजन कैन ऑल्सो बी देयर, बट यूजली आप दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हो। अब आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि मैं कितना एफर्ट कर रहा हूं और दूसरा कितना एफर्ट कर रहा है, इफ द अदर थिंग इज द सेम। आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि उसको कितना पैसा मिल रहा है, मुझे कितना पैसा मिल रहा है, एंड इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो। इफ द रेशियोज आर परसीव्ड एज अनइक्वल, इनइक्विटी एग्जिस्ट्स एंड द पर्सन फील्स अंडर और ओवर रिवॉर्डेड। सर जी सर मुझे समझ नहीं आई, सेल्फ कंपैरिजन किस मतलब है, किस तरह से अगर अपने आप को हम वो करेंगे, आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हो और कितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है सर, बट अगेन वो रिवॉर्ड हम किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे होंगे ना, रेफरल से। जी लेकिन आप अपनी तरफ उसको करते हो या दूसरी तरह करते हो, आप दूसरे से कंपेयर ना भी करें तो आप अपना जो है इनपुट आउटपुट की रेशियो भी निकालें तो तब भी आप कई दफा हंस रहे होते हैं और कई दफा गुस्से हो रहे होते हैं। ओके। अगर आपको तनख्वाह ज्यादा लग रही हो तब भी जरा मसला तो होता है थोड़ा सा, कई दफा ये भी होता है कि आप अगर ज्यादा सैलरी ले रहे हैं और काम कम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है, मैं किसी तरीके से काम ज्यादा करूं ताकि मैं उसको मैच कर जाऊं, बट यूजली देयर इज अ रेफरेंस और आप उसी से कंपेयर कर रहे होते हो। ये जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन इनइक्वालिटीज अकर एम्प्लॉइज विल अटेम्प्ट टू डू समथिंग टू रीबैलेंस द रेशियो, सीक जस्टिस। अब क्या होगा, या तो वो काम कम करना शुरू हो जाएगा या रिवॉर्ड ज्यादा मांगने शुरू हो जाएगा, या अपनी रेशियो डिस्टॉर्ट करेगा या दूसरे की रेशियो डिस्टॉर्ट करेगा, तो वो कोई भी हो सकती है किस तरीके से। वो एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स तक आपको इशू शायद ना हो, इट इज व्हेन यू मेक अ कंपैरिजन, जिस तरह हमने बात की 80,000 पे तो खुश था लेकिन जब उसको ये पता चला कि दूसरा 90,000 दे रहा है, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम, सो देन देयर वाज एन इक्विटी इशू, तब उसको लगा कि जस्टिस का मसला है। Referent is a person or a situation जिसके साथ आप अपना वो कर रहे हो। Different equities जो हैं वो हो सकती हैं और different तरीके से organizations इसको maintain करती हैं। For example, internal and external equity, ये usually आपका HR department manage कर रहा होता है। आपकी company के अंदर, for example, Ufone का अगर manager है और यूफोन का ही दूसरा मैनेजर है, दे आर एट द सेम रैंक, सेम क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज द सेम, दे आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स, योर इंटरनल इक्विटी इज मेंटेन्ड। समटाइम्स पीपल कंपेयर इट विद आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इनका जनरल मैनेजर यूफोन का एंड लेट्स से जैज का जनरल मैनेजर, इसको अगर फॉर एग्जाम्पल 100,000 मिल रहा है और इसको 150,000 मिल रहा है, तो देन एक्सटर्नल इक्विटी मेंटेन नहीं हो रही, एक्सटर्नल इक्विटी का इशू है। सो यू नीड टू मेंटेन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इक्विटी, अदरवाइज ये लोग इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। देन द प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड टू इवेलुएट यू एंड टू इवेलुएट द अदर पीपल or to establish rewards for you and for the other people, wo procedure agar galat hai to tab bhi masla hai,
डिस्ट्रीब्यूटिव एक्विटी ये है या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इशू है तो उसको किसी और तरीके से रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको किसी और तरीके से रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। बट ये ऐसे हमने देखना था कि एक्विटी की कुछ टाइप्स होती हैं। खैर हमने पढ़ लिया। अब जब भी एक्विटी थ्योरी के इश्यूज आते हैं तो दीज आर द ऑप्शंस पीपल यूजुअली गो फॉर, डिस्टॉर्ट ओन और अदर्स रेशियोज। या तो खुद काम करना कम कर देता है, रिवॉर्ड ज्यादा कर लेता है, या वो चाह रहा होता है कि दूसरे को भी कम पैसे दो या दूसरा भी ज्यादा काम करे। ये एक तरीका होता है रीबैलेंस करने का, induce others to change their own input and outcome, change own input, increase or decrease effort or outcome, or seek greater rewards, or choose a different comparison, referent or other person or system or kuch is tarah. Matlab kai dafa aap kehte ho yaar iske sath to comparison banta nahi, acha apne se gareeb wale ko dekh lete hain, and then you feel good about it. Or if you're not making any balance, just zyada problem ho jaye equity ka, then you can leave your job, quit bhi kar jate hain job. Jab aap is position pe pahunch jaye ki kisi tarike se rebalance nahi ho rahi, theek. Isme kisi ka koi question hai to please bataye. Ji Ali. सर मेरा एक क्वेश्चन सॉरी कमेंट है बेसिकली। मैं मुझे इस थ्योरी ने हमेशा सर फैसिनेट किया, लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रही है कि जब हम ये बात देखते हैं कि आप जो नॉर्मली इसकी वो तीन परसेप्शन हैं कि या तो जब आप इन इक्वालिटी देखते हैं तो या तो अपनी इनपुट चेंज करते हैं, आउटपुट चेंज करते हैं, या रेफरेंट चेंज करते हैं जब आप अंडर रिवॉर्डेड हैं। जब आप ओवर रिवॉर्डेड हैं तो थ्योरी तो नॉर्मली ये कहती है कि आप अपनी आउटपुट से मैच करने के लिए अपनी इनपुट बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब आपकी आउटपुट ज्यादा है, आपकी इनपुट कम है, आप ज्यादा मेहनत करना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर जब हम अपनी सोसाइटी में अपने कल्चर में आगे पीछे देखते हैं तो जितने लोग ओवर रिवॉर्डेड हैं, मोस्ट ऑफ देम, वो सारे नहीं मैं कहता, स्वीपी स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन जो मोस्ट ऑफ देम है वो ज्यादा काम नहीं कर रहे होते कि वो कहें कि वो ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते। सर उसका एक रीजन मेरे अपने दिमाग में आता है, शायद आप सर करेक्ट कर सकें अगर मैं गलत हूँ, कि जैसे हम बात करते हैं कि जब आप अंडर रिवॉर्डेड हैं, जब आपके पास फाइनल ऑप्शन बचती है, ना आप इनपुट चेंज कर सकते हैं ना आउटपुट चेंज कर सकते हैं, आप अपना रेफरेंट चेंज कर लेते हैं, आप अपने से नीचे देखना शुरू कर देते हैं, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं यार वो देखो वो कितने मुश्किल हालात में है। बिल्कुल, जब ओवर रिवॉर्डेड की बात आती है तब भी हम यही काम करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि जब वो अपनी मोटिवेशन, एटलीस्ट पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि हम अपनी मोटिवेशन नहीं बढ़ाते, अपनी आउटपुट इनपुट नहीं बढ़ाते, हम अपना रेफरेंट दोबारा अपने से ऊपर वाला कर लेते हैं, और फिर हम जो है उसको देखते हैं ठीक है वो देखो वो ऊपर है, वो नहीं काम कर रहा, उसके पैसे जो है मुझसे भी ज्यादा है, जो मुझसे भी ज्यादा ओवर रिवॉर्डेड है, हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। सर इज दिस करेक्ट कि ये अजम्पशन या मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है? ये बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली ज्यादातर देखिए दो एंगल से इसको देखते हैं। एक है एज एन एम्प्लॉय मैं अपने आप को जब एक्विटी पे मेजर कर रहा हूँ, यूजली कुछ टाइम के बाद, कुछ क्वेश्चंस के बाद, अपने आप से क्वेश्चंस करने के बाद, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप टेलिंग देमसेल्व्स कि नहीं नहीं हम काम काफी कर रहे हैं, या हमारे में कुछ सुरखाब का पर है जिसकी वजह से ये लोग पैसे दे रहे हैं। सो मोस्टली हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। यू आर राइट कि हम अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज नहीं करते। सम पीपल, वेरी फ्यू पीपल, दे माइट गो इनटू अ लिटिल गिल्ट एंड इम्प्रूव के नहीं यार मुझे इतना पैसा मिलता है, इतना ऑर्गेनाइजेशन करती है तो मुझे ज्यादा करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल एडजस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका एक्सपीरियंस 2 साल ज्यादा या एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, या वो कहता नहीं नहीं मैं तो जो काम करता हूँ मेरे से बेहतर। सो ज्यादातर हम अपनी जो इनपुट है उसको हाई परसीव करना शुरू कर देते हैं, जिससे एडजस्टमेंट हो जाती है और काम खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट है एक्विटी थ्योरी का ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक श्योर कि ऐसा चक्कर ना हो रहा हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एचआर का तरीका है, अगर थोड़ा सा हम इसको
इधर देख लें, एचआर का तरीका एक होता है जो वो ओकेजनली अपनी उसमें करना चाहिए उसको, वो क्या करता है कि ये आपकी फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस है और ये आपका रिवॉर्ड है, तो कई दफा आपके लोग कुछ होते हैं जिनकी पोजीशन ये होती है और कुछ लोग होते हैं जिनकी पोजीशन ये होती है और कुछ लोग होते हैं जिनकी पोजीशन ये होती है, इनको हम वैसे यूजली कह देते हैं ग्रीन जॉब्स, इनको हम कह देते हैं रेड जॉब्स, ये वाली, ये ग्रीन जॉब्स हैं, ये रेड जॉब्स हैं। अब अगर आपको सिंपल समझ आ जाए कि क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन जॉब्स वाले लोग जो हैं वो भी एक्विटी पे नहीं है और रेड वाले भी एक्विटी पे नहीं है, सिर्फ ये बंदा एक्विटी पे है। ये बात समझ आई किसी को? यस सर, राइट सर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा परफॉर्म बहुत कर रहा है, सैलरी लो ले रहा है। नो सर, नहीं समझ आई सना? नो सर। ओके, ये परफॉर्मेंस है और ये रिवॉर्ड है, मुझे ये जो ए बंदा है इसकी जरा बताएं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है? इसकी परफॉर्मेंस ए वाले की बहुत अच्छी है, बट उसको रिवॉर्ड बहुत कम मिल रहा है, तो इश्यू है। ओके, ये जो ग्रीन वाला है इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं है और ये ओवरपेड है, ओवर रिवॉर्डेड है, ओवरपेड। इस तरह की जॉब्स को हम कहते हैं रेड जॉब्स, ये हैं, एंड ग्रीन जॉब्स ये हैं। ओके, ये सारी इक्विटी लाइन से बाहर होती है। अगर आपकी ये इक्विटी लाइन है ना, जी जी, ये बंदा ठीक है, जितना परफॉर्म कर रहा है उतने पैसे ले रहा है। Got it. Actually, organizational point of view से red और green jobs नहीं बननी चाहिए, क्योंकि organizational point of view से red and green jobs अगर बनती हैं, तो उस पूरी organization में issues आएंगे। तो अली, I think हमारा अगर organizational point of view से ये चीजें clear हों, because बंदे ने तो obviously self-centered होता है, selfish होता है, वो अपने आप को adjust कर लेता है उसी हिसाब से, वो कहता है ज्यादा पैसे मिल रहे। बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो उनकी अप्रोच ये होती है कि तनख्वाह ज्यादा लगे काम से, then they feel satisfied, which is not the right, वो leadership पे किस time उस पे बात करेंगे, that's not the right approach कि आपको तनख्वाह ज्यादा लग रही हो, but still people think like that. सर, एग्जैक्टली सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि आज की ही एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी सर। एक्चुअली मैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हूँ इस वक्त, इससे पहले मैं एक प्राइवेट बैंक में था। सर, मैं ये समझता हूँ कि इस सारी चीज़ में, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने बात की उससे तो मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन द सिलेक्शन ऑफ द रेफरेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ और हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो पहले प्राइवेट सेक्टर में या बैंक्स में जॉब कर चुके हैं, तो वी फील आज हमारी ये कन्वर्सेशन हुई सर हमारे कोलीग के साथ कि यार हम ओवर रिवॉर्डेड हैं, जो करके आए हैं बैंक्स के में से जॉब या प्राइवेट एक किसी मुश्किल इदारे से या किसी मुश्किल मैनेजर के साथ, तो उसको एहसास है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जिनकी फर्स्ट जॉब है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी है और ऊपर से हैवी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो उनको कोई एहसास नहीं है और उनका जो रेफरेंट है, अब जो हमारा रेफरेंट है वो हमारे पुराने कोलीग्स जो मेरे एमटीओ बैचमेट्स थे, वो हैं रेफरेंस कि वो अभी भी मुझसे कम सैलरी ले रहे हैं और आज से 10 साल से वो बैंक में काम कर रहे हैं। और जो लोग जिनकी फर्स्ट जॉब उसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में है, उनके रेफरेंस उन्हीं की यूनिवर्सिटी में से, यार वो कम काम कर रहा है, मुझे रोज आना पड़ रहा है, तो उसकी मोटिवेशन लेवल, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। तो सर, मैं तो सर ये समझता हूँ कि रेफरेंट, जो सिलेक्शन ऑफ रेफरेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ आप सिलेक्शन ऑफ रेफरेंट में मसला नहीं कर रहे, यहाँ आप पर्सनल इनपुट आउटपुट रेशियो कैलकुलेशन में मसला कर रहे। यू आर डूइंग इट डिफरेंटली, दे आर डूइंग इट डिफरेंटली। ये बात समझ आई आपको? राइट सर। सर, इसमें एक चीज में ये भी होती है कि जब हम सर, सबका एक्सपीरियंस शायद ऐसा ना हो, लेकिन जब हम बैंक्स में थे तो सर वो
एक ऐसी फील आपको देते हैं कि आपको जो मिल रहा है ना इस पे शुक्र करो, बस शुक्र करो ये मिल रहा है, तो आपको यही लगता है यार कि मैं यही डिजर्व करता हूँ, मेरा इनपुट भी ठीक है, जितना आउटपुट मिल रहा है मेरा इतना ही है। ठीक है, हमेशा मीटिंग में यही बात होती थी, लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं, हम वहां से उठा के ले जाएंगे, लोग के पास डिपॉजिट्स हैं, सेल्स हैं, तो वो आपको ये फील कराते हैं कि आपकी वो फील करते हैं कि आपकी इनपुट जो है वो कम है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो बस उतना ही है जितना आप डिजर्व कर रहे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती, लोग तो प्रिविलेज होते हैं आपको बताइए, तो वो फिर इनपुट आउटपुट रेशियो उस वजह से भी डिस्टॉर्ट हो जाती है जी। वो आपकी कैलकुलेशन करने का जो एंगल है वो डिफरेंट है एक्चुअली, और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें रेफरेंट तो आपका जो दूसरा बंदा है वो है, लेकिन आपने अपनी इनपुट इतनी लो कैलकुलेट की होती है और आउटपुट इतनी उस मामले में हाई की होती है, बिकॉज आप कैलकुलेशन के लिए रेफरेंट जो ले रहे होते हो वो आप बैंक ले रहे होते हो, तो वहां ज्यादा मसला वहां आ रहा है। अदरवाइज हो अब आप टीचर होते हो भाई भी कई दफा ये कहते हो कि मैं इतनी मेहनत करके लेक्चर पढ़ाता हूँ और दूसरा बंदा इस तरीके से पढ़ाता है पैसे इतने ले रहा है, तो शायद वहां इनपुट आउटपुट में फर्क आ जाता हो, बट यस ये प्रैक्टिकली इश्यूज हैं सर। जी सबा सर, फॉर इंस्टेंस इस तरह भी आपने बताया ग्रीन और जो आपका ए है बॉक्सेस, यहां अगर कोई लाइक कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका तो मतलब है कि आपका रिवार्ड सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, अदरवाइज आप इस किस्म के आउटलायर्स तो इतने क्रिएट नहीं कर रहे होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जी। लेकिन कई दफा ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छे सिस्टम्स होते हुए भी रेड ग्रीन जॉब्स बन जाती हैं, कई दफा लोग हायरार्की में और पे वाइज इतना ऊपर पहुंच जाते हैं और कहीं किसी दरमियान में जाके हार्ड आराम होते हैं, और स्पेशली जहां जितनी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है ना, जितना निकालना ज्यादा मुश्किल होता है वहां ये ग्रीन जॉब्स तो बहुत बनती है, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती होती है। तो ये हमारी कुछ मोटिवेशन थी, बेसिक जो थ्योरीज वगैरह थी इसका क्लियर करना हमें जरूरी था।